नमस्कार, मैं सचिन नेगी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से ZIIEI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोर्स में आपका स्वागत करता हूँ। आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मॉड्यूल 12 के भाग 2 की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा हम शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं एकीकरण हेतु किए गए प्रावधानों की समझ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ शैक्षिक प्रक्रिया एवं प्रतिफलों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नए प्रौद्योगिकी विकास जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंप्यूटिंग उपकरण, अडेप्टिव कंप्यूटर टेस्टिंग और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा शिक्षार्थी क्या सीखते हैं, वे कैसे सीखते हैं, जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषयों में परिवर्तन आ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्रों में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी NETF का निर्माण किया जाएगा। NETF के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे, जैसे प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप में केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र एवं प्रमाण आधारित परामर्श उपलब्ध कराना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी कार्यों की परिकल्पना करना, अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नई दिशाओं को स्पष्ट करना। NETF के स्थायी कार्यों में से एक उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को उनकी क्षमता एवं परिवर्तन लाने की अनुमानित समय सीमा के आधार पर वर्गीकृत करना भी होगा और समय समय पर इन विश्लेषणों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना भी होगा। शिक्षा में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम और आंकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना होगा, शिक्षा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुंच को बढ़ाना, शैक्षिक नियोजन प्रबंधन एवं प्रशासन को सरल एवं व्यवस्थित करना होगा। उपरोक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत से शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे और उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों तक तथा दिव्यांग विद्यार्थियों समेत सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। सभी राज्यों तथा NCERT, CIET, CBSE, NIOS एवं अन्य निकायों संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित शिक्षण एवं अधिगम संबंधित ई कंटेंट दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ई कंटेंट का उपयोग शिक्षकों के व्यवसाय संबंधी विकास के लिए किया जा सकता है। दीक्षा के साथ साथ अन्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधित उपायों के संवर्धन एवं प्रसार हेतु CIET को मजबूत बनाया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षकों के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम अभ्यासों में ई सामग्री को उपयुक्त रूप से शामिल कर सकें। तो आज हमने अपने मॉड्यूल 12 के भाग 2 के अंतर्गत NEP के प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त की। मैं आपको मॉड्यूल 12 के भाग 2 की सफलता पूर्ण पूर करने पर बधाई के साथ साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस मॉड्यूल द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। NEP की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।